हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। फिर कला केंद्र ने मांगा मोहम्मद रफी के लिए भारत रत्न। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफी की 98वीं जयंती के अवसर पर सांता क्रूज मस्जिद परिसर में उनकी कब्र पर गुलाब पुष्प अर्पित कर कपिल कला केंद्र की तरफ से समाज सेवी डॉक्टर सत्तार खान ने उन्हें आदरांजलि दी। बाबा इस्लाम शाह वारसी ने उनकी रूह की सुकून के लिए फातिहा पढ़ी। रम में जूनियर फिल्म अभिनेता अजय देवगन, मनोज कुमार, सलीम जाफर, महफूज मोहम्मद, अब्दुल हाफिज खान, बलवंत सिंह सोलंकी, सचिन पिल्लई, स्नितिक पिल्लई, पृथ्वी पिल्लई, परशुराम गोलर, मनोज कनौजिया, अकबर बेग के अलावा मोहम्मद रफी के सैकड़ों चाहने वालों ने उनकी कब्र पर गुलाब का फूल चढ़ाया। संस्था अध्यक्ष कपिलदेव खरवार ने सभी के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया और भारत सरकार से मोहम्मद रफी के लिए भारत रत्न का सम्मान मांगा। देखिए, हम तो कपिल कला मंच की तरफ से पिछले 30 सालों से यहाँ आ रहे हैं। स्वर्गीय जो गायक एक फनकार मोहम्मद रफी साहब, इनकी जो कब्र है इस पर दुआ मांगने के लिए, पतिया देने के लिए पिछले 30 सालों से हम सभी लोग यहाँ कपिल कला मंच के माध्यम से इकट्ठा होते हैं और आज उनका पैदाइश वाला दिन है, रोमे पैदाइश, इस मौके पर हम लोग यहाँ आए हैं। पिछले 30 सालों से हम केंद्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि ऐसे फनकार को भारत रत्न दिया जाए। दुनिया में ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो मोहम्मद रफी साहब का आवाज एक बार निकाल के दिखा सके। हमें उम्मीद है पिछले 30 सालों से जो मांग करते आ रहे हैं कि मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न दिया जाए, इंशाल्लाह कई पत्र व्यवहार होने के बाद अब जल्द ही वो दिन भी हमें देखने मिलेगा कि मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। सब लोग यहाँ कब्रिस्तान में आए हुए हैं कपिल कला केंद्र के तरफ से, जो उनके बानी है श्री कपिल देव जी, उन्होंने 30 साल से मांग कर रखा है सरकार से कि उनको भारत रत्न दिया जाए। इनका प्रयास है, इनका मेहनत है कपिल जी का, जो हर साल उनके लिए जो है सरकार से मांग करते रहते हैं और उम्मीद करता हूं कि सरकार उनकी बात जरूर सुनेंगे। हम लोग सब उनके साथ हैं, कपिल कला केंद्र के बानी कपिल देव जी के साथ हम लोग हैं। हम लोगों का जो है प्रेम भी उनके साथ है और उन्होंने जो रफ़ी साहब के लिए जो भी मेहनत किया है 30 साल में, मैं समझता हूं कि ऊपर वाला उनको इसका मुआवजा देगा और हम लोग सब रफ़ी साहब के लिए दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता करे। ऐसा कलाकार तो दुनिया में शायद मुश्किल से आता है, ये गॉड गिफ्ट है, अल्लाह ने उनको खुद भेजा था हम सब के लिए कि अपने गुण से हम सबको खुश रखें। और जब भी उनकी याद आती है कोई ना कोई गाना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो सब गुनगुनाने ही लगता है। तो कपिल देव जी का मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है और उम्मीद करता हूँ कि सरकार उनकी मांग पूरी करेंगे और ज़रूर पूरी करेंगे। आज बड़े ही खुशी का दिन है कि आज मोहम्मद रफी साहब का जन्मदिन है और हम सभी कपिल कला केंद्र की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम सबको इतनी बड़ी खुशी है कि हम सब इसी तरह जब तक हमारे शरीर में जान हो तब तक हमारे दिल में रफ़ी साहब की पहचान हो। रफ़ी साहब हमेशा है, हमेशा रहेंगे और हमेशा रहना होगा हर किसी के दिलों में। धन्यवाद। फाउंडर, प्रेसिडेंट और मुंबई कांग्रेस रोजगार सेल, स्वयं रोजगार सेल के महासचिव, ईशान मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्तार खान जी का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं और कर भी रहा हूं कला केंद्र की तरफ से कि वो पिछले कई सालों से आकर
और एक रफ़ी के चाहने वाले कहिए या कला केंद्र के चाहने वाले कहिए, वो आते हैं हमारे साथ, जन्मदिन हो पुण्यतिथि हो आते हैं। दिलीप साहब के लिए भी आए, रफ़ी साहब के लिए लगातार आ रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद मैं जनाब इस्लाम साहब वारसी, जो हमेशा से ही आकर के मेरे साथ आकर के, वो रफ़ी साहब हो या दिलीप साहब हो, उनकी रूह की सुकून के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। मेरे साथ फिल्म जूनियर आर्टिस्ट कला केंद्र की के साथ हैं अजय देवगन जी, जो अभी अभी उन्होंने थोड़े शब्दों में भी संबोधित किया, मैं उनका भी आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। इसके साथ ही एक दो चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ कि मुंबई में RPI अठावले गुट के महाराष्ट्र के नहीं ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष और भवन निर्माता कृष्ण मिलन शुक्ला जी ने, जब उनके आवास पर मैं जा कर के उन्हें आज के लिए दावतनामा दिया, तो उन्होंने एक शब्द बड़ा अनमोल कहा, वो कहा कि भारत रत्न मांग रहे हैं आप रफ़ी साहब के लिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, रफ़ी साहब जैसे उम्दा और ऊंचे कलाकार के लिए भारत रत्न का सम्मान थोड़ा कम पड़ रहा है? वो तो भारत रत्न है ही। देखिए हमारी बातों का कैसे समर्थन लोग कर रहे हैं कि वो तो भारत रत्न है ही, अनमोल रत्न ही है, लेकिन ये सम्मान भारत रत्न का जो सम्मान सरकार देगी वो थोड़ा कम पड़ रहा है, ज़रा समझ के मांगिए। फिर भी मेरी तरफ से, मैं उनके चाहने वालों की तरफ से, मैं ये चाहूँगा कि भारत रत्न का सम्मान दे ही दे। इसलिए उनके भारत रत्न का सम्मान मिलने से उस सम्मान का सम्मान बढ़ेगा। तो मैं आज कृष्ण मिलन शुक्ला जी को बधाई देता हूँ, अभिनंदन भी उनका कर रहा हूँ कि ये शब्दों में उन्होंने कहा, लेकिन आउट ऑफ बम्बई होने के नाते आज वो नहीं आए। भाई इब्राहिम भाईजान जो हज कमेटी के चेयरमैन और मुंबई कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता हैं, वो हर बार आते हैं, लेकिन इस बार आज आवास पर हैं, थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे क्षमा याचना की। मैं उनका भी आभार अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूँ। मनराज प्रतिष्ठान के मुख्य न्यासी भाई मनोज नाथानी ने आज असमर्थता जाहिर की है, फिर भी मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं एक और बात अपने भाषण के समाप्ति पर कहूँगा कि धर्मेंद्र खरवार स्टेज एक्टर गायक, पिछले साल उन्होंने कहा था मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए, वह शब्द जरूर कहूँगा कि मीडिया के माध्यम से फिर उसका प्रचार प्रसार हो, और आप लोग भी सुने, शायद आप लोग नहीं थे, उन्होंने कहा कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुनिया के नक्शे में भारत का नक्शा रहेगा। फिर से दोहराता हूँ, जब तक ये दुनिया रहेगी दुनिया के नक्शे में भारत का नक्शा रहेगा, और भारत में जब तक 26 जनवरी और 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे गर्व के साथ, तब तक मोहम्मद रफ़ी का गीत दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से लेकर गांव गिराव के छोटे कस्बे और गांव तक बजाया जाएगा और गाया जाएगा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो भी गए, और ये इस तरह से अनेक उनके गाने हैं, वो गाए जाएंगे और खुशियां मनाया जाएगा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। मैं गीत समाप्त करके एक छोटे नन्हे से बालक को माइक दूंगा, इससे पहले मैं यही कहूंगा कि पिछले 70 साल से, ये 7 साल के मोदी सरकार को माइनस कर दें 70 साल में, तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा समय तक हुकूमत किया है, और उनका पहला एक गाना था जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तब उन्होंने गाया था, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, ओ बापू जो पूज था इतना जितना गंगा माँ का पानी, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी,
इस गीत को गाते गाया और आज से लेकर के तब तक की इतनी प्रसिद्धि पूरे विश्व में मिली रफ़ी साहब को, जिसका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है अभी तक का, और न कभी टूटेगा। एक उनके फॉलोअर मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं उनके फैंस कि ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। पिछले 70 साल को डॉक्टर सत्तार खान साहब कांग्रेस के नेता हैं, वो बताएं कि 7 साल 8 साल माइनस कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 62 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन एक नज़र कांग्रेस के नेता लोगों ने, प्रधानमंत्री ने एक नज़र नहीं डाली रफ़ी साहब पर कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। जी जरूर। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ, फिर वही मुकीम भाई की बात रिपीट करता हूँ कि मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये अपील कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस ने जो चीज़ें छोड़ दी है, बहुत चीज़ें कांग्रेस ने छोड़ दी, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मुझे पास मेरे पास बहुत सारा डिटेल है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो छोड़ दी है अहम, जो लाखों करोड़ों के दिलों में जिस व्यक्ति का तस्वीर है, आवाज़ बची है, ऐसे मोहम्मद रफ़ी को भारत देके बाकी सारे अधूरे कामों को पूरा हो जाएगा, मैं यह सामान्य हूँ। मैं आप सभी का आभार व्यक्त कर एक बालक को एक माइक देता हूँ और एक अंतरा जरूर। मेरा नाम स्नितिक पिल्ले है और मेरा पापा का नाम सचिन पिल्ले है। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं। मेरा नाम पृथ्वी पिल्ले है और मेरे पिताजी का नाम सचिन पिल्ले है। रफ़ी साहब के जन्मदिन पे मैं उनके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे। जब जब बहारों का जमाना याद आएगा, क्या बात है, क्या बात, कभी था अपना भी एक आशियाना याद आएगा, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था आज एक सहरा। मैं अब्दुल हफीज़ खान, शान मूवीज़ का प्रोपर्टर प्रोड्यूसर, और मैं कहना चाहूँगा रफ़ी साहब जैसी महान हस्ती इस दुनिया में बार बार नहीं आती, बल्कि एक बार ही आती है, दोबारा शायद ही कभी आती है। और अभी मैं लक्की होटल के सामने रफ़ी चौक से आ रहा हूँ और रफ़ी साहब के बंगले से भी आ रहा हूँ, वहाँ पे सलीम भाई और अपने काका हम सब साथ में गए थे वहाँ पे, वहाँ से होके आ रहा हूँ, कब्रिस्तान गया था। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे मित्र श्री कपिल देव जी खारवार, कपिल कला केंद्र के जो संचालक हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई उनसे मिलके, और जो ये कर रहे हैं प्रयास, जो काम कर रहे हैं रफ़ी साहब के लिए, बहुत खुशी होती है। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बहुत जज्बे के साथ में 30-35 सालों से इस काम के लिए लगे हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जब तक जान में जान है कपिल देव जी ये काम जारी रखेंगे। हर साल रफ़ी साहब की बरसी पे और उनके जन्मदिन पे वो कब्रिस्तान ज़रूर आते हैं और एक प्रोग्राम ज़रूर रखते हैं। हमें भी उन्होंने मौका दिया दो बातें रफ़ी साहब के लिए कहने के लिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रफ़ी साहब अमर रहें। रफ़ी साहब में मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए इस कार्यक्रम के अंत में बहुत बड़ी खुशी का एक तोहफा समझिए, उनके जन्मदिन पर या श्रद्धांजलि समझिए। उनका आज 98वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, यहाँ भी और पूरे देश में भी उनके जयंती 98वीं जयंती उनके चाहने वाले मना रहे हैं। कपिल
गीत कुशीनगर की तरफ से आज रात को जारी होगा। कपिल गीत कुशीनगर पर स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी के गाए 101 गीत के मुखड़ा जो गीतों में प्रस्तुत की जाएगी, और आप इंतज़ार करिए कपिल गीत कुशीनगर YouTube चैनल पर आप इस गीत को सुन सकेंगे जो मैंने जोड़ा है। जैसा कि अभी कपिल गीत कुशीनगर चैनल पर स्वर्गीय अभिनय सम्राट जेजी किंग पद्मश्री नहीं पद्मभूषण दिलीप कुमार साहब के 100वीं जयंती पर 100वें जन्मदिन पर हमने उनके 64 फिल्मों के गानों के टाइटल जो है उसको मिलाकर एक गीत जारी किया है, और वो कपिल गीत पर लोग सुन रहे हैं और बड़ी उसकी सराहना हो रही है। मुझे उन सभी सराहकों को जो कपिल गीत कुशीनगर को जो देख रहे हैं सराह रहे हैं चैनल को, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसी चैनल पर आप मोहम्मद रफ़ी के 101 गाने के मुखड़ा आप मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। धन्यवाद। तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरा संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे।